भी ये सत्य कह ही दो, कह दो कि इस समय तुम्हारा मेरे साथ प्रेम रास करने का मन कर रहा है। कहो। विशाल सर, भागो! सर, भागो, जान बचाओ अपनी, बचाओ, जान बचाओ, सर। अच्छा, तो अब समझे कि कान्हा ने मुझे यहाँ मैया बाबा के पास क्यों रुकाया था? क्योंकि यहाँ पर सर्प आक्रमण करने वाला था और शेषनाग से अधिक अच्छा रक्षक और कौन हो सकता है? मुझे तो इस कृष्ण के पीछे ही जाना है, जिसके विषय में मुझे जानना है। बलराम, ये इतना शोर किस लिए? मैया बाबा, आइए मेरे साथ, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। आइए। नहीं बलराम, पहले हमें गांव वालों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। ठीक है बाबा। मैया, आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए, मैं और बाबा अन्य लोगों को सुरक्षित लेकर आते। चलिए बाबा। तो ये है कृष्ण का पिता नंद। बाबा, रुक जाओ सुदर्शन। सर्पों में सर्वश्रेष्ठ सर्प शेषनाग, आप शांत हो जाइए। आपको मेरा प्रणाम। तुमने मेरे बाबा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तुम्हारा अंत तो निश्चित है सर्प। रुक जाइए था, सुदर्शन का अंत आपके हाथों नहीं लिखा। तुम कौन हो? मूर्ख सर्प, यदि मैं शेष नाग हूं ये तुम जान गए हो, तो मैं सदैव किन के साथ रहता हूं, इन्हें नहीं पहचाना?
यह है जगत पिता श्री हरि नारायण। नारायण महापाप कर बैठा मैं, छल हुआ है मेरे साथ। हे नारायण क्षमा कर दे मुझे। कई बार ये छल पूर्व पुण्य का प्रतीक होता है। जब तक हमारे साथ छल नहीं होता, हम नहीं समझ पाते निश्चल क्या है, हम नहीं समझ पाते निष्कपट क्या है। कंस का यही छल अब तुम्हें निश्चल और शुद्ध मुक्ति की ओर ले आया। आभार नारायण। इस सर्प योनि में अनंत दुख भोग चुका हूं मैं, अब मुझे मुक्ति दीजिए नारायण। तदात्मानं सृजाम्यहम्।